Hello everyone, I am Professor N.B. Sartre, welcomes you all in the 5th lecture of Industrial AC Machine subject. So my dear students, we have discussed about the single phase synchronous reluctance motor in the last lecture, right? So this is the single phase synchronous motor. In that there are two types. First one is the reluctance motor, second one is the hysteresis motor. तो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि ये हिस्टेरेसिस मोटर हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स ये चैप्टर में पढ़ी है, और इसमें जो रिलक्टेंस मोटर है, सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है. उसका कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस. नाउ इन टुडे लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर. सो दिस इज अनदर फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर. ठीक है, ये एक दूसरी आपकी फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर है. ठीक है, जिसको बोलते हैं स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर. कल के लेक्चर में हमने देखा था सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर, आज के लेक्चर में हमने देखी है स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर. सो द स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर ऑपरेट्स ऑन द सेम बेसिक प्रिंसिपल एज अ वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर. ठीक है, ये जी स्विच रिलक्टेंस मोटर आहे, इस ऑपरेट होत असते सेम प्रिंसिपल वरती जसं व्हेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर ऑपरेट होते, त्याच सेम बेसिक प्रिंसिपल वरती ही आपली स्विच रिलक्टेंस मोटर ऑपरेट होते. ठीक है, आता ही व्हेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर आपण पुढे पाहणार आहे. ठीक आहे, ह्या स्टेपर मोटरचे काही टाइप्स आहेत पुढे, ती सुद्धा स्टेपर मोटर आपली फ्रॅक्शनल हॉर्स पॉवर मोटरच आहे. ठीक आहे, so that we'll see in the upcoming lectures, right? So now we'll see the construction of this switched reluctance motor. Iska construction dekh lete hain. So unlike a conventional synchronous motor, both the rotor and stator of a switched reluctance motor have salient poles as shown in the figure 39.22. theek hai, to jaise conventional synchronous motor hoti hai, वैसे यहाँ पे भी आपके रोटर एंड स्टेटर जो है स्विच रिलक्टेंस मोटर के, इस पे आपके सेलियंट पोल्स होते हैं. ठीक है, सेलियंट मीन्स प्रोजेक्टेड आउट. ठीक है, हमने ऑलरेडी देखा है अल्टरनेटर में सेलियंट पोल की टाइप कैसे होते हैं. तो ये आपकी स्विच रिलक्टेंस मोटर है, ये इसमें फिगर दिया है, यहाँ पे फिगर 39.22 में यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये प्रोजेक्टेड पोल्स है यहाँ पे रोटर पे. ठीक है, तो ये सेलियंट बोलते हैं, प्रोजेक्टेड आउट पोल्स को सेलियंट हमने नाम दिया था अल्टरनेटर में. तो ये यहाँ पे सेलियंट पोल्स है स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर में रोटर पे. ठीक है, समझ लो हा पहला पॉइंट, कि जैसे कन्वेंशनल सिंक्रोनस मोटर मध्ये स्टेटर आणि रोटर जे आहेत स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर के, त्याच्यावरती सेलियंट पोल्स आहेत. ठीक है, स्टेटर वरती पण दिसतंय तुम्हाला, स्टेटर वरती सुद्धा सेलियंट पोल्स आहे. ठीक आहे, आणि रोटर वरती सुद्धा इथे सेलियंट पोल्स म्हणजे प्रोजेक्टेड आउट पोल्स आहे दाखवले. सो दिस डबली सेलियंट अरेंजमेंट इज व्हेरी इफेक्टिव्ह फॉर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी कन्व्हर्जन. ही जी डबली सेलियंट अरेंजमेंट आहे ती अतिशय इफेक्टिव्ह असते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी कन्व्हर्जन साठी. ठीक आहे, ही जो डबली सेलियंट अरेंजमेंट दिखाय आहे डायग्राम, वो बहुत ही इफेक्टिव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन के लिए. नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेटर कैरीज कॉइल्स ऑन ईच पोल. स्टेटर वरती इथं कॉइल्स कॅरी केले जातात प्रत्येक पोल वरती. ठीक आहे, इथं दिसत आहेत स्टेटर जे पोल्स आहेत 1, 2, 3, 4, परत हे चार पोल्स आहेत 1, 2, 3, 4, असे 8 पोल्स स्टेटर वरती दाखवलेले, आणि या जे दिसत आहेत हे राऊंड कलरच्या हे आहेत आपल्या कॉइल्स. ठीक आहे, तर स्टेटर वरती कॉइल्स कॅरी केलेले आहेत प्रत्येक पोल वरती, अँड द कॉइल्स ऑन ऑपोजिट पोल्स बीइंग कनेक्टेड इन सिरीज. आणि ज्या कॉइल्स अपोजिट पोल्स वरती असतात त्या एकमेकांच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेले असतात. ठीक आहे, तो स्टेटर पे यहाँ पे कॉइल्स कॅरी किए होते हर एक पोल पे, अँड कॉइल्स जो होते हैं अपोजिट पोल्स पे उनको सीरीज में हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं. ठीक है, समझ में आया, ये डायग्राम आप
एक्चुअल फोटोग्राफ है आपके स्विचड रिलक्टेंस मोटर का और ये इसकी कंस्ट्रक्शन डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे 8 पोल्स है टोटल स्टेटर पे, और रोटर पे कितने पोल्स है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। रोटर पे यहाँ पे 6 पोल्स है और स्टेटर पे यहाँ पे टोटल 8 पोल्स। नाउ द 8 पोल स्टेटर कॉइल्स शोन इन द फिगर आर ग्रुप टू फॉर्म ऑफ 4 फेजेस। ठीक है, यहाँ पे ये 8 पोल जो है स्टेटर पे, इनको ग्रुप टूगेदर किया जाता है और इससे आपके 4 फेजेस बनते हैं। 1, 2, 3, 4 इसको ग्रुप किया तो 4 फेजेस बनेंगे। ठीक है, सो 1, 2, 3, 4 इनको ग्रुप किया तो 4 फेजेस बनेंगे। क्लियर है? सो 8 स्टेटर कॉइल्स शोन इन द फिगर आर ग्रुप टू फॉर्म 4 फेजेस। 8 स्टेटर कॉइल को हम ग्रुप टूगेदर करेंगे तो इससे आपके 4 फेजेस बनेंगे। ठीक है, विच आर इंडिपेंडेंटली एनर्जाइज फ्रॉम अ 4 फेज कन्वर्टर। और ये जो 4 फेजेस वहां पे फॉर्म हो रहे हैं उनको इंडिपेंडेंटली एनर्जाइज किया जाता है वहां के 4 फेज कन्वर्टर। ठीक है, 8 स्टेटर कॉइल जे आहे त्यांना जर ग्रुप अपन केला एकमेकामध्ये ग्रुप टुगेदर जर केला तर त्यापासून 4 फेजेस बनवले जातात। ठीक है, आणि या प्रत्येक फेजला आपण इंडिपेंडेंटली एनर्जाइज करतो तिथल्या 4 फेज कन्वर्टरच्या सहाय्याने। ठीक, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द लॅमिनेटेड रोटर हैज नो वाइंडिंग्स और मैग्नेट्स। जो लैमिनेटेड रोटर है यहाँ पे, ये रोटर है आपका, ठीक है, इसको लैमिनेटेड बनाया होता है। सो जो लैमिनेटेड रोटर पे कोई भी वाइंडिंग्स नहीं दिखाई है और वो मैग्नेट्स भी नहीं है वहां पे, तो इज देयर फॉर चीप टू मैन्युफैक्चर। तो उसकी वजह से वो चीप होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए एंड एक्सट्रीमली रोबोस्ट, और वो बहुत ही रोबोस्ट होता है। ठीक है, जे लैमिनेटेड रोटर है इथं त्याच्यावरती कुठल्याच वाइंडिंग दाखवलेलं नाहीये किंवा मॅग्नेट्स नाहीये तिथं, त्यामुळे मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी ते रोटर अतिशय चीप असणार आहे, स्वस्त असणार आहे आणि एक्स्ट्रीमली रोबोस्ट असणार आहे, म्हणजे अतिशय मजबूत असणार आहे। ठीक आहे, सो दी मोटर शोन इन द फिगर हियर हॅज 8 स्टेटर पोल्स। याच्यावरती 8 स्टेटर पोल्स आहेत आपण ऑलरेडी दाखवलंय फिगर मध्ये, या 39.22 फिगर मध्ये 8 पोल्स आहेत स्टेटर वरती, 1, 2, 3, 4 आणि परत हे 1, 2, 3, 4 असे टोटल 8 पोल्स आहे आणि रोटर वरती 6 पोल्स आहे। सो 6 रोटर पोल्स विच इज अ वाइडली यूज अरेंजमेंट ऑल दो अदर पोल कॉम्बिनेशन लाइक 6x4 पोल्स आर यूज टू सूट डिफरंट एप्लीकेशन। ठीक है, हे जे 8 पोल्स आहेत स्टेटर वरती आणि 6 पोल जे आहेत रोटर वरती, ते वाइडली यूज होणारे अरेंजमेंट आहे। ठीक आहे, पण त्यासोबतच दुसरे पोलचं कॉम्बिनेशन सुद्धा यूज करू शकतो आपण, जसे आपले 6x4 पोल्स असू शकतात, म्हणजे 6 हे स्टेटरचे पोल्स असतील आणि 4 हे रोटरचे पोल्स असतील। आपल्याला जसे डिफरंट ऍप्लिकेशन साठी सूट करायचे त्याच्यानुसार आपण ही अरेंजमेंट यूज करू। अभी इसका वर्किंग कैसे होता है, सो युजुअल अरेंजमेंट इज टू एनर्जाइज स्टेटर कॉइल सिक्वेंशियल। युजुअल अरेंजमेंट जे आहे स्टेटर कॉइलचा एनर्जाइज करण्याची सिक्वेन्शियली आहे विथ अ सिंगल पल्स ऑफ करंट ऍट अ हाय स्पीड। आपल्याला एक सिंगल पल्स आहे करंटचा, तो हाय स्पीडला स्टेटर कॉइलला द्यायचा आहे आणि मग तिथल्या स्टेटर कॉइलला आपल्याला एनर्जाइज करायचं। ठीक आहे, युजुअल अरेंजमेंट क्या है स्टेटर कॉइल्स को एनर्जाइज करने के लिए, वो सिक्वेंशियली एनर्जाइज करने हैं। कैसे एनर्जाइज करने हैं, तो आपको एक सिंगल पल्स ऑफ करंट एट हाई स्पीड पे उसको स्टेटर कॉइल्स को देना है ताकि आपके स्टेटर कॉइल्स एनर्जाइज वहां पे हो सके। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है हाउएवर एट स्टार्टिंग एंड लो स्पीड। ठीक है, एट स्टार्टिंग एंड लो स्पीड पे अ करंट चॉपर टाइप कंट्रोल इज यूज टू लिमिट द कॉइल करंट। तो करंट चॉपर टाइप का एक कंट्रोल वहां पे यूज किया होता है वहां के कॉइल करंट को लिमिट करने के। ठीक है, स्टार्टिंगला आणि लो स्पीडला तिथे एक करंट चॉपर टाइपचं कंट्रोल यूज केलेलं असतं तिथल्या कॉइलच्या करंटला लिमिट करण्यास। ठीक है, नाउ द मोटर रोटेट्स इन अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, मोटर आपली अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वर रोटेट होईल। सो व्हेन द स्टेटर फेजेस आर एनर्जाइज इन द सिक्वेन्स, किंवा स्टेटर फेजेस तिथे एनर्जाइज होतील या सिक्वेन्स मध्ये, म्हणजे 1, 2, 3, 4 एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हेन एनर्जाइज इन द सिक्वेन्स
क्लॉकवाइज डायरेक्शन के शेवटी लिहिणार जे आहे ते 1 4 3 2, आणि अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टेटर पेजेस कसे येणार केली जाते 1 2 3 4 ना, ठीक आहे, अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना, आणि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कसे येणार जे होतील ते स्टेटर पेजेस 1 4 3 2 ना, ठीक आहे, इथं दिसतंय तुम्हाला डायग्राम मध्ये. हे पहा अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जर हे स्टेटर फेजेस येणार जे झाले तर ते कसे होतील 1 4 3 2 ना, ठीक आहे, ही अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आणि 1 4 3 2 इकडनं सुद्धा जरी पाहिलं तुम्ही तर 1 4 3 आणि 2 अशा याच्यामध्ये ते स्टेटर फेजेस येणार जे होतील. और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से उसको एनर्जाइज करोगे तो कैसे होंगे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में वो स्टेटर फेजेस वहां पे एनर्जाइज होंगे. ठीक है, तो व्हेन द स्टेटर कॉइल्स आर एनर्जाइज, जो वहां पे स्टेटर कॉइल्स एनर्जाइज होते हैं, देन द नियरेस्ट पेयर ऑफ रोटर पोल्स इज पुल्ड इनटू अलाइनमेंट. तो वहां पे जो नियरेस्ट पेयर है रोटर पोल की वो पुल्ड की जाती है अलाइनमेंट में विथ एप्रोप्रिएट स्टेटर पोल्स बाय रिलक्टेंस टॉर्क. ठीक है, वहां पे नियरेस्ट पेयर जो है रोटर पोल की वो पुल की जाती है अलाइनमेंट में वहां के स्टेटर पोल्स के एप्रोप्रिएट स्टेटर पोल्स के साथ रोटर पोल्स को वहां पे अलाइनमेंट में पुल किया जाता है, इसकी वजह से रिलक्टेंस टॉर्क की वजह से. ठीक है, स्टेटर कॉइल जेव्हा एनर्जाइज होतात तेव्हा तिथली नियरेस्ट पेयर जी असते रोटर पोलची ती तिथल्या अप्रोप्रिएट स्टेटर पोल्स सोबत पुल केली जाते अलाइनमेंट मध्ये कशाच्या साहाय्याने, ना रिलक्टन्स टॉर्कच्या साहाय्याने. ठीक आहे, दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस स्विच्ड रिलक्टन्स मोटर. मग या मोटरचे काही ऍडव्हान्टेजेस सुद्धा आहे ते पाहू आपण. सो फर्स्ट ऍडव्हान्टेज इज दी इट इज हॅव्हिंग हायर इफिशियन्सी, या मोटरची हायर इफिशियन्सी असते. देन सेकंड, मोर पॉवर पर युनिट वेट अँड व्हॉल्यूम, मोर पॉवर पर युनिट वेट आणि व्हॉल्यूम आहे या मोटरचं. देन व्हेरी रोबुस्ट, अतिशय रोबुस्ट आहे, मजबूत आहे, बिकॉज रोटर हॅज नो वाइंडिंग और स्लिपिंग, क्योंकि इस पे रोटर पे आपके कोई भी वाइंडिंग नहीं है या फिर स्लिपिंग नहीं है, उसकी वजह से ये रोबुस्ट होता है मोटर. ठीक है, देन कैन रन एट अ वेरी हाई स्पीड, ये बहुत ही हाई स्पीड पे रन हो सकता है, अप टू 30,000 RPM इसकी स्पीड है इन हजार्डस एटमोस्फियर. हजार्डस एटमोस्फियर में ये बहुत ही हाई स्पीड पे वहां पे रन हो सकता है और इसकी स्पीड की है 30,000 RPM. ठीक है, देन हैज अ वर्सेटाइल एंड फ्लेक्सिबल ड्राइव फीचर्स, इसके वर्सेटाइल एंड फ्लेक्सिबल ड्राइव फीचर्स है ये मोटर की. देन नेक्स्ट सिक्स पीस का एडवांटेज है, फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन इज पॉसिबल. ठीक है, फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन इथं पॉसिबल आहे विथ अप्रोप्रिएट ड्राइव्ह सर्किट. अप्रोप्रिएट ड्राइव्ह सर्किटच्या साह्याने इथं फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन पॉसिबल आहे. हे सगळे ऍडव्हान्टेजेस आहेत आपल्या स्विच्ड रिलक्टन्स मोटरचे. तसेच त्यासोबत काही डिसएडव्हान्टेजेस सुद्धा आहेत या मोटरची. त्यामध्ये पहिला आहे रिलेटिव्हली अनप्रूव्हन आहे मोटर. सेकंड आहे नॉइजी आहे. आणि थर्ड आहे नॉट वेल सुटेड फॉर स्मूथ टॉर्क प्रोडक्शन. स्मूथ टॉर्क प्रोडक्शन साठी ही सुटेड नाही आहे मोटर. ठीक आहे, हे तीन त्याचे डिसएडव्हान्टेजेस आहेत स्विच्ड रिलक्टन्स मोटरचे. आणि याचे काही ऍप्लिकेशन सुद्धा आहेत. त्यामध्ये पहिला आहे जनरल पर्पज इंडस्ट्रियल ड्राईव्ह साठी ही मोटर यूज होते. ठीक आहे, जनरल पर्पज ड्राईव्ह साठी ही मोटर यूज होते. ते नेक्स्ट ट्रॅक्शन मध्ये ही मोटर यूज होते स्विच्ड रिलक्टन्स मोटर. देन डोमेस्टिक अप्लायन्सेस जैसे फूड प्रोसेसर है आपके, वैक्यूम क्लीनर्स है या फिर वॉशिंग मशीन्स है. ठीक है, तो ऐसे डोमेस्टिक अप्लायंसेस में ये स्विच रिलक्टेंस मोटर वहां पे यूज होती है. ठीक है, देन आपके ऑफिस एंड बिजनेस इक्विपमेंट में भी यहाँ पे ये मोटर यूज होती है. ऑफिस एंड बिजनेस इक्विपमेंट में ये मोटर यहाँ पे यूज होती है. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है ये मोटर की स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर. ठीक है, समझ गए एप्लीकेशन. नाउ नेक्स्ट मोटर है आपकी
परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, जिसको PMSM मोटर बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। तो इसका कंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सो सच मोटर्स हैव केज रोटर हैविंग रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स इंस्टेड ऑफ वाउंड फील्ड। ठीक है, ये मोटर्स में केज रोटर होता है जिसमें रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वाउंड फील्ड। वाउंड फील्ड के बजाय यहाँ पे अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर में, क्योंकि इसके नाम में दिया है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो इसमें केज टाइप का रोटर है, ठीक है, केज टाइप का रोटर है याच्यामध्ये, आणि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स असतात इंस्टेड ऑफ अ वाउंड फील्ड। वाउंड फील्डच्या ऐवजी अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स असतात, म्हणून तिला नाव दिलेलं आहे परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स। सो सच मोटर स्टार्ट्स लाइक एन इंडक्शन मोटर। ही मोटर आपली इंडक्शन मोटर सारखी स्टार्ट केली जाते व्हेन फेड फ्रॉम अ फिक्स्ड फ्रिक्वेन्सी सप्लाय। तेव्हा या मोटरला फिक्स्ड फ्रिक्वेन्सी सप्लाय दिला जातो तेव्हा ती इंडक्शन मोटर म्हणूनच तिला स्टार्ट केलं जातं। ठीक आहे, नेक्स्ट पॉइंट, अ टिपिकल टू पोल फोर अँड फोर पोल सर्फेस माउंटेड व्हर्जन्स ऑफ द रोटर आर शोन इन द फिगर 39.1। टिपिकल टू पोल आणि फोर पोल सर्फेस माउंटेड व्हर्जन्स इथं रोटरचे द्या दाखवलेले। ठीक आहे, हे 39.14 या फिगर मध्ये हे टू पोल इथं दिसतंय तुम्हाला, हे टू पोल्स आणि इथं फोर पोल दाखवलेले। तर टू पोल आणि फोर पोल सर्फेस माउंटेड व्हर्जन्स रोटरचे इथं दाखवलेले डायग्राम। सिन्स नो डीसी सप्लाय इज नीडेड फॉर एक्साइटिंग द रोटर, इथं डीसी सप्लाय ची आवश्यकता नाहीये एक्साइट करण्यासाठी रोटरला, सो इट कॅन बी मेड मोर रोबोस्ट अँड रिलायबल, त्यामुळे ते रोटर आपल्या इथं रोबोस्ट आणि रिलायबल होणार आहे। सो दीज मोटर्स हॅव आउटपुट रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 100 वॅट अप टू 100 वॅट अप टू 100 किलो वॅट। ठीक आहे, या मोटरचं जे आउटपुट रेंज आहे ते आहे 100 वॅट पासून 100 किलो वॅट पर्यंत। ठीक आहे, देन द मॅक्झिमम सिंक्रोनस टॉर्क इज डिझाईन टू बी अराउंड, मॅक्झिमम सिंक्रोनस टॉर्क जो आहे तो डिझाईन केलेला असतो आणि तो असतो अराउंड 150% ऑफ द रेटेड टॉर्क, तो असतो 150% रेटेड टॉर्क। ठीक आहे, मॅक्झिमम सिंक्रोनस टॉर्क। तर ही आपली डायग्राम आहे परमानंट मॅग्नेट सिंक्रोनस मोटरची। हा ऍक्च्युअल फोटोग्राफ आहे परमानंट मॅग्नेट सिंक्रोनस मोटरचा। ठीक आहे, एक त्याचं कन्स्ट्रक्शनल डायग्राम, हे टू पोलचं स्ट्रक्चर आहे आणि हे फोर पोलचं स्ट्रक्चर। ठीक, नाव इफ लोडेड बियॉन्ड दिस पॉइंट द मोटर लूजेस सिंक्रोनिझम। ठीक आहे, या पॉइंट पेक्षा जर जास्त मोटरला लोड दिला आपण तर मोटर त्याच सिंक्रोनिझम लूज करते अँड विल रन आयदर ऍज अन इंडक्शन मोटर ऑर स्टॉल, आणि ती इंडक्शन मोटर म्हणून रन होईल किंवा ती स्टॉल होऊन जाईल किंवा स्टॉप होऊन जाईल। ठीक आहे, सो दीज मोटर्स आर युजली डिझाईन फॉर डायरेक्ट ऑनलाईन स्टार्ट। या ज्या मोटर्स आहेत त्या युजली डिझाईन केले जातात डायरेक्ट ऑनलाईन स्टार्टिंग साठी। ठीक आहे, डायरेक्ट ऑनलाईन स्टार्टिंग साठी डिझाईन केलेल्या असतात या मोटर्स। आणि मग इफिशियन्सी अँड पॉवर फॅक्टर ऑफ द परमानंट मॅग्नेट एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर्स आर इच 5 to 10 points बेटर दॅन देअर रिलक्टन्स मोटर काउंटर पार्ट। रिलक्टन्स मोटर काउंटर पार्ट पेक्षा याची जी इफिशियन्सी आणि पॉवर फॅक्टर आहे परमानंट मॅग्नेट सिंक्रोनस मोटरचा तो 5 to 10 points न चांगला असतो, 5 to 10 points न बेटर असतो इफिशियन्सी आणि पॉवर फॅक्टर। ठीक आहे, या मोटरचे सुद्धा काही ऍडव्हान्टेजेस आहेत। ठीक आहे, त्यामध्ये पहिला आहे सिन्स देर आर नो ब्रशेस ऑर स्लिप रिंग्स तो देर इज नो स्पार्किंग। ठीक आहे, इसमें कोई भी ब्रशेस या फिर स्लिप रिंग्स यूज नहीं किए हैं तो उसकी वजह से स्पार्किंग वहां पे नहीं होती है। सेकंड है ऑल्सो ब्रश मेंटेनेंस इज इलिमिनेटेड, ब्रशेस नहीं है इसमें तो ब्रश मेंटेनेंस इलिमिनेट किया जाता है। सच मोटर्स कैन पुल इनटू सिंक्रोनिज्म विद इनर्शिया लोड्स ऑफ मेनी टाइम्स देयर रोटर इनर्शिया। ठीक है, ये जो मोटर है वो पुल की जाती है सिंक्रोनिज्म में जो विथ इनर्शिया लोड्स ऑफ द मेनी टाइम्स, जो इनर्शिया लोड्स है मेनी टाइम्स देयर रोटर इनर्शिया, उसके हिसाब से यहाँ पे मोटर को सिंक्रोनिज्म में पुल किया जाता है। एंड लास्ट, इसके कुछ एप्लीकेशन भी है ये परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर की। सो दीज मोटर्स आर यूज्ड वेयर प्रिसाइज स्पीड मस्ट बी मेंटेन्ड टू एंश्योर द कंसिस्टेंट प्रोडक्ट।
ये जो मोटर्स है वो यूज किए जाते हैं वहां पे जहाँ पे प्रिसाइज स्पीड मेंटेन करनी होती है, प्रिसाइज स्पीड मस्ट बी मेंटेन टू एंश्योर कंसिस्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, वहां पे कंसिस्टेंट प्रोडक्ट एंश्योर करने के लिए प्रिसाइज स्पीड को मेंटेन करना जहां पे जरूरी है वहां पे ये मोटर्स यूज होते। ठीक है, कंसिस्टेंट प्रोडक्ट ला एंश्योर करण्यासाठी जिथे स्पीड ये प्रिसाइज मेंटेन केली जाते अशा एप्लीकेशन साठी ही मोटर परमानेंट मॅग्नेट सिंक्रोनस मोटर यूज केली जाते। सो विद अ कॉन्स्टंट लोड द मोटर मेंटेन्स अ कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट लोड ना आपण तिथं मोटरला मोटरची स्पीड तिथं कॉन्स्टंट मेंटेन ठेवू शकतो। ठीक आहे, कॉन्स्टंट लोड देऊन मोटरला आपण तिथं मोटरची स्पीड कॉन्स्टंट मेंटेन करू शकतो आणि त्यामुळे दीज मोटर्स आर यूज फॉर या मोटर्स आपण कुठे यूज करतो फॉर सिंथेटिक फायबर ड्रॉइंग, सिंथेटिक फायबर ड्रॉइंग मध्ये यूज करतो या मोटर्स आपण, तिथं कॉन्स्टंट स्पीड या ऍब्सोल्युटली इसेन्शियल असतात। कॉन्स्टंट स्पीड या ऍब्सोल्युटली इसेन्शियल असतात अशा ठिकाणी म्हणजे सिंथेटिक फायबर ड्रॉइंग मध्ये या मोटर्स यूज केले जातात परमानेंट मॅग्नेट सिंक्रोनस मोटर। ठीक, तो ये है आपकी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। तो आज के लेक्चर में हमने ये दो मोटर देखे, स्विचर रिलक्टेंस मोटर एंड परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। तो ये दोनों मोटर में आप किसी को डाउट्स है, आपको किसी को डाउट्स है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर अगेन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।